मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। आज की वीडियो लखनऊ से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम आपको लखनऊ से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, साथ ही लखनऊ कैसे बना उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, और लखनऊ में आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माई चैनल एक्सप्लोर द वर्ल्ड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को अपनी खास नज़ाकत और तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ के दशहरी आम के बाग और चिकन की कढ़ाई का काम भी पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। यहाँ पर वैसे तो हिंदी भाषा का चलन है, लेकिन हिंदी में भी आपको लखनवी अंदाज देखने को मिलेगा, जो यहाँ की भाषा को और भी खास और यूनिक बनाती है। लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था, या भगवान राम की विरासत थी, जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को समर्पित किया था। अतः इसे लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से भी जाना गया, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। लखनऊ की वर्तमान जनसंख्या 39,45,000 है, जिसमें हिंदू आपको 77.08% मिलेंगे और मुस्लिम 21.46% मिलेंगे। बाकी अन्य धर्म के लोग भी यहाँ पर मिलजुल कर प्यार से एक साथ रहते हैं। आइए अब देखते हैं नवाबों के शहर लखनऊ से जुड़ी कुछ अद्भुत फैक्ट एंड बातें। तो पहली है कि लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन लगभग 97 साल पुराना है, और अवधि मुगले और राजपुताना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के सबसे खूबसूरत नमूनों में से एक है। स्टेशन परिसर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये ऊपर से चेस यानी शतरंज की बिसात जैसे दिखता है। नेक्स्ट, 3.5 किलोमीटर ट्रैक लंबाई वाला भारत का सबसे लंबा रेस कोर्स भी लखनऊ शहर में ही है। नेक्स्ट, लखनऊ भारत का पहला शहर है जिसे एसटीडी कॉल से जोड़ा गया था। नेक्स्ट, शहर के हजरतगंज चौराहे से चार नेशनल हाईवे निकलते हैं, NH24 दिल्ली के लिए, NH25 मध्य प्रदेश के लिए, NH56 वाराणसी के लिए और NH28 बिहार के लिए। नेक्स्ट, लखनऊ में 130 मीटर की ऊंचाई वाला एक घंटा घर हुसैनाबाद में बना हुआ है, जिसे कि भारत का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर होने का गौरव प्राप्त है। एशिया का सबसे बड़ा पार्क के लिए भी लखनऊ जाना जाता है, जो कि गोमती नगर में स्थित है और जिसका नाम जैनेश्वर मिश्र पार्क है। नेक्स्ट, इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मॉल भी लखनऊ में ही है, जिसे लूलू मॉल के नाम से जाना जाता है। वैसे लखनऊ में घूमने और देखने के लिए काफ़ी कुछ है जो पर्यटकों को लुभाती है। तो चलिए हम आपको लखनऊ की कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में बताते हैं। तो पहला है बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ के सभी प्रसिद्ध स्थानों से अलग है। इस ऐतिहासिक स्थल का एक बड़ा परिसर है, जिसमें आसिफी मस्जिद, भूल भुलैया और एक बावली है। यह भूल भुलैया परिसर का सबसे लोकप्रिय हिस्सा है। इस ऐतिहासिक स्थल की वास्तुकला सजावटी मुगल डिज़ाइन जैसे दिखती है, और इसमें यूरोपीय वास्तुकला का उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपका मरीन ड्राइव। लखनऊ का मरीन ड्राइव लखनऊ के पर्यटक स्थलों में से सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जगह है, जहाँ पर शाम होते ही पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। यह मरीन ड्राइव अम्बेडकर पार्क और गोमती नदी के मध्य में स्थित है। आपने मुंबई के मरीन ड्राइव के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन लखनऊ में स्थित यह मरीन ड्राइव भी कम खूबसूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका जैनेश्वर मिश्र पार्क। लखनऊ के गोमती नगर में स्थित यह पार्क एशिया आइलैंड का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है, जिसे समाजवादी पार्टी ने बनाया था। इसका निर्माण 6 अगस्त 2012 में शुरू हुआ था, जो 5 अगस्त 2014 में बनकर ख़त्म हुआ। कहा जाता है लंदन के हाइट पार्क से प्रेरित इस खूबसूरत पार्क को लखनऊ में बनाया गया है, और यह पार्क लगभग 375 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। वहीं इसकी दूसरी ओर 40 एकड़ में एक खूबसूरत कृत्रिम झील भी बनी है, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहां पर आकर झील और नाव की आप सवारी भी भरपूर आनंद उसमें ले सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट है वो है हजरतगंज मार्केट। हजरतगंज मार्केट लखनऊ में ख़रीदारी करने और घूमने के लिए एक प्रमुख सेंटर है, जिसका अपना एक लंबा इतिहास है, और इस जगह में पहले से बहुत बड़ा बदलाव आया है, और यह लखनऊ के केंद्रीय शॉपिंग के रूप में काम करता है।
नेक्स्ट है आपका साइंस सिटी लखनऊ। यदि आप विज्ञान में रुचि रखते हैं या फिर आप अपने बच्चों के साथ लखनऊ घूमने जाते हैं तो लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित साइंस सिटी का विजिट आप करना मत भूलिएगा। यहाँ पर बना हुआ संग्रहालय में आपको कई सारी जानकारी मिल सकती है। साइंस सिटी के भीतर देश विदेश के विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी बहुत ही सुंदर ढंग से सजावट के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस साइंस सिटी के दर्शन से आप विज्ञान से जुड़ी मानव विकास और कई सारी मेडिकल साइंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अंबेडकर मेमोरियल पार्क। अंबेडकर मेमोरियल पार्क लखनऊ का प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसका निर्माण भीमराव अंबेडकर, काशीराम और अन्य जैसे लोगों की याद में बनाया था जिन्होंने समानता और मानवीय न्याय के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। 7 अरब रुपए के बजट के साथ बना यह पार्क लखनऊ में देखने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नेक्स्ट है आपका लखनऊ जू। लखनऊ चिड़ियाघर या लखनऊ जू शहर के केंद्र में स्थित घूमने की एक अच्छी जगह मानी जाती है जो वन्य जीव उत्साही लोगों का सबसे पसंदीदा अड्डा है। यह विशाल चिड़ियाघर 71.6 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसको 1921 में वेल्स के राजकुमार हिज रॉयल हाइनेस की यात्रा की याद में स्थापित किया गया था। इस जू को पहले वेल्स के राजकुमार के रूप में जाना जाता था लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। और अगर आप लखनऊ शहर की यात्रा के लिए जाते हैं तो आपको शहर के इस चिड़ियाघर के जानवरों को देखना जरूर चाहिए। नेक्स्ट है आपका दिलकुशा कोठी। यह एक महल है जिसका निर्माण मेजर गौर द्वारा बारोक शैली में सन 800 ईस्वी में करवाया गया था। यह पहला महल नहीं था, यह पहले एक शिकार लॉन्ज था जिसे ग्रीष्मकालीन में बदलकर एक नया रूप दे दिया गया है। आज़ादी से कई वर्ष पहले इस दिलकुशा कोठी ने युद्ध के दौरान कई प्रभाव को अपने ऊपर झेला था। अर्थात युद्ध के अंतर्गत इस कोठी ने तोप के गोले सैनिकों से होने वाले हमले को भी झेला है। वर्तमान समय में यह जगह घूमने के लिए अच्छा स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश रेजिडेंसी। यह स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों ने यहां शरण ली थी। वर्तमान समय में यह किला खंडर के रूप में स्थित है। मेराबंदी के दौरान सैकड़ों अंग्रेज मारे गए थे जिनकी कब्रें आज भी लखनऊ के ब्रिटिश रेजिडेंसी के पास बने कब्रिस्तान में है। ब्रिटिश रेजिडेंसी भी घूमने के लिए अच्छा स्थान है। वर्तमान समय में यह खंडर भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित है। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका भारत का सबसे लंबा क्लॉक टावर हुसैनाबाद क्लॉक टावर। हुसैनाबाद क्लॉक टावर को 1881 में बनाया था और तब से आज तक यह भारत का सबसे लंबा क्लॉक टावर है जो 67 मीटर ऊंचा है, जो 14 फीट लंबे पेंडुलम के साथ विक्टोरियन गॉथिक चमक को प्रदर्शित करता है और इसमें 12 पंखुड़िया वाले फूल के आकार का एक डायल भी लगा हुआ है। सो आशा करते हैं कि अभी लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप घूम सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बताया है। यदि आपको कोई और भी डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM करके बातचीत कर सकते हो। तो हम आपसे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, ट्रैवल सेफ, राइड सेफ एंड बाय बाय।